गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जो है ब्लड के बारे में बताया जा रहा था, तो आपको जो नेक्स्ट बताया गया था कि ब्लड के बारे में क्या है, तो ब्लड क्या है? एक लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है जो आयरन युक्त प्रोटीन का बना होता है। इसमें आयरन युक्त प्रोटीन पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो रक्त में आपको बताया गया था कि रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिका। देखिए, रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है। इसी प्रकार लसिका भी रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। रक्त और लसिका में अंतर भी आता है, तो पहले आप रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त का जो ये जो रक्त है, इसके दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएँ। ये जो बताया जा चुका है, प्लाज्मा 60% होता है, 40% रुधिर कणिकाएँ होती हैं। फिर इसके बाद जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं, इनके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी बताया गया था कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये लाल रुधिर कणिकाएँ जो है केंद्रक विहीन होती हैं, केवल ऊंट और लामा में केंद्रक पाए जाते हैं और मैमल्स को छोड़कर केंद्रक विहीन होती हैं, मतलब उनमें केंद्रक पाए जाते हैं। मैमल्स के अलावा जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें जो लाल रुधिर कणिकाएँ हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो मैमल्स हैं, हम लोग हैं, इनमें लाल रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं? केंद्रक विहीन होती हैं। ऊंट और लामा है, इनमें भी केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी भी बताया गया था कि ये जो है श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। ये जो है इनका जीवन काल 14 से 15 दिन होता है। और जो आपका डब्ल्यूबीसी है, वो डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी संरचना, क्योंकि केंद्रक युक्त होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है। फिर इसमें दो कणिकाएँ होती हैं, एक कणिकामय और एक अकणिकामय। कणिकामय जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो इओसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कहलाती हैं, और जो अकणिकामय होती हैं वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं। ये जो आपकी कणिकामय डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये एलर्जी को, मतलब जो आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे चकत्ते निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, या ठंडा गर्म होने से जुकाम हो जाता है या नाक बहने लगती है, तो ये जो एलर्जी होती है उन सब के कारण यही है। क्योंकि ये जब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है तो ये जो है क्या करती हैं कि एलर्जी को उत्पन्न करती हैं और इम्यून सिस्टम को, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती हैं। इसके बाद जो है जो अकणिकामय होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है ये बड़े आकार की होती है, मोनोसाइट जो होती है छोटे आकार की। जो मोनोसाइट है ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और जो लिम्फोसाइट होता है हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है। तो डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट पाया जाता है, लेकिन आपका वो जो है जो लसिका होती है उनमें लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक होती है, जबकि आरबीसी में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। तो यानी रक्त में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है और लसिका में लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार जो है ये ब्लड का एक चार्ट बना हुआ है कि ब्लड है, इसके दो पार्ट्स हैं, फिर रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की हैं, फिर इनमें जो डब्ल्यूबीसी है ये दो प्रकार के हैं, एक कणिकामय और एक अकणिकामय, ग्रेनुलर और एग्रेनुलर। ठीक है, तो इनमें से आपको ये बताया गया। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये शरीर में जो है पाई जाती हैं, ये भी एक रुधिर कणिका है। ये इसका मेन काम क्या होता है, मुख्य कार्य होता है रुधिर स्कंदन, रक्त को जमने में सहायता करना, रुधिर ब्लड क्लॉटिंग यानी रुधिर स्कंदन में सहायता करना प्लेटलेट्स। इसकी संख्या 2 से 5 लाख हर व्यक्ति में होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख तक होती है, और इसका मेन काम है क्योंकि इसमें प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त को जमने में सहायता करती है। तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त के थक्का बनने में सहायता करना। इसके बाद जो है इसमें आता है प्लेटलेट्स के बाद अब आता है रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग क्या है? देखिए, रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, वैज्ञानिक हैं कार्ल लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर इन्होंने ब्लड वर्ग की खोज की थी। इन्होंने रिसर्च बंदर पर प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि रक्त वर्ग जो ब्लड ग्रुप होते हैं चार प्रकार के होते हैं। इनमें से देखिए एक चीज है, जो रुधिर कणिकाएं होती हैं इनमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। रुधिर कणिकाओं में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक होता है एंटीजन
और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसको बोलते हैं एंटीजन को प्रतिजन हिंदी में, और इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। जो एंटीजन है ये लाल उदर कणिकाओं में पाए जाते हैं, यानी आरबीसी में पाए जाते हैं, और जो एंटीबॉडी है ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एंटीजन और एंटीबॉडी ये रक्त में मतलब जो है प्रोटीन के रूप में, रक्त में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है रक्त और ऊतकों के बीच में, वो होती है एंटीजन और एंटीबॉडी। इनका मेन काम क्या होता है कि जो आपका ये ब्लड ग्रुप है इनमें कुछ में एंटीजन पाए जाते हैं, कुछ में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और किसी किसी ब्लड ग्रुप में दोनों पाए जाते हैं। हर मनुष्य में रक्त वर्ग अलग अलग होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का ब्लड किसी भी व्यक्ति पे नहीं चढ़ाया जा सकता। कुछ रोगों के कारण या तो उसकी पहले ब्लड की जांच की जाती है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे उसको मतलब जो है सिफिलिस या कोई एड्स या अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, अगर वो बीमारी है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो रुधिर आधान क्या होता है, जब किसी रोगी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ब्लड डोनर यानी रक्त आधान कहलाता है। वो तभी दिया जा सकता है जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसमें किसी प्रकार का रोग से ग्रसित नहीं होगा, उस व्यक्ति का ब्लड मतलब स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड रोगी व्यक्ति को दिया जाता है रोग को दूर करने के लिए, या जिसमें हीमोग्लोबिन या ब्लड की कमी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दो चीज़ें पाई जाती हैं रक्त में प्रोटीन के रूप में, एक एंटीजन प्रोटीन होती है और एक एंटीबॉडी होती है। जो आपका ब्लड ग्रुप है इसकी खोज कार्ल लैंडेस्टीनर ने की थी, राइसस वर्ग अंदर पर प्रयोग किया था। उन्होंने चार रक्त वर्ग कौन कौन से बताए थे, तो एक ब्लड ग्रुप होता है आपका ए और एक होता है बी। ये ब्लड ग्रुप है आपके ब्लड ग्रुप, और ये है एंटीजन, और ये है एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप आपके चार हैं, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। देखिए ये चार ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी और ओ। जो ए बी होता है सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, ये सभी प्रकार के ब्लड को ग्रहण कर सकता है। ओ को भी ले सकता है, ए भी ले सकता है, ए बी भी ले सकता है, और ए बी तो है ही। और जो ये होता है ओ, इसको बोलते हैं सर्वदाता। उस ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जो सबको दे सकता हो, सर्वदाता हो, वो है ओ। और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है आपका ए बी। तो इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं, तो एंटीजन में जो प्रोटीन होती है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी होती है। एंटीबॉडी में जो आपकी प्रोटीन होती है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल बी। इसी तरह इसमें है इसका एंटीजन क्या होगा, बी, लेकिन इसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा बी का, स्मॉल ए। जैसे ये कैपिटल ए है एंटीजन है, क्योंकि एंटीजन को जो प्रोटीन होती है उसको कैपिटल से लिखते हैं और एंटीबॉडी की जो प्रोटीन होती है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो इसमें कैपिटल लेटर का स्मॉल ए है एंटीजन के रूप में, ए में एंटीजन ए होता है, बी में एंटीजन बी होता है, ए का अपोजिट बी एंटीबॉडी होता है, बी का अपोजिट ए स्मॉल ए वो आपका एंटीबॉडी होता है। और जो आपका ए बी है इनमें जो है ए तथा बी दोनों एंटीजन होते हैं, और इसमें जो है एंटीजन मतलब जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है इनमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यानी एंटीबॉडी इनमें नहीं पाई जाती है, और इसी प्रकार इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में एंटीजन नहीं होता है, यानी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, एंटीजन। इसमें एंटीजन नहीं होता ब्लड ग्रुप ओ में, और इसमें जो आपका है एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये ब्लड ग्रुप का चार्ट है। ब्लड ग्रुप आपके चार है ए बी ए बी और ओ। ओ सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही है, यहाँ पर एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी है, यहाँ पर एंटीजन बी बी ब्लड ग्रुप वाले का, ए बी वाले का ए तथा बी दोनों होंगे लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी। और जो ओ आपका ब्लड ग्रुप है इसमें जो है एंटी
जेल नहीं पाया जाएगा, इसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी, ए तथा बी। तो इस प्रकार ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए आपको बताया गया कि दो चीज़ें होती हैं प्रोटीन के रूप में, एक एंटीजन और एंटीबॉडी। एक क्वेश्चन आता है कि रक्त में एंटीजन तथा एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, तो रक्त में एंटीजन RBC लाल रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है कि रक्त में मतलब जो है RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो, और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और WBC का क्या कार्य है, तो WBC हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करता है और एलर्जी को समाप्त करता है। ये जो आपके इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको खत्म करता है, जैसे इश्नोफीलिया वगैरह, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, तो प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त को थक्का बनाने में या रुधिर को स्कंदन में सहायता करना, ठीक है। तो इस प्रकार इन सबके कार्यों को आपको पढ़ना है। अब इसके बाद आता है ब्लड के क्या कार्य हैं, तो ब्लड का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करना, क्योंकि फेफड़े में रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है, इसके बाद ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन जब मिल जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा जो शरीर के ऊतकों में पहुँच करके पूरे शरीर में परिसंचरित होता है, तो ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है, पोषक पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है, उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है और घाव को भरने में सहायता करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो उसको भी भरने में मदद करता है, क्योंकि इनमें एक प्रोटीन होती है हिपेरिन, वो जो है रक्त को जमने नहीं देता शरीर के अंदर पार्ट में। तो ब्लड के बहुत से कार्य हैं, ठीक है, घाव को भरने में, शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है, हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो बुखार सा बना रहता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो ये लगता है जैसे फीवर आ रहा है, तो भी एक कारण है, क्योंकि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम भी ब्लड करता है। और एक ऐसी रुधिर कणिका का नाम बताइए जो केंद्रक विहीन हो, तो केंद्रक विहीन आपकी RBC है, और WBC में केंद्रक पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक पाए जाते हैं। इस प्रकार ये ब्लड के आपके कार्य हो गए, ब्लड वर्क हो गया और आपको इतना बताया गया। अब देखिए हमने बताया था कि रक्त परिसंचरण में तीन चीज़ें आती हैं, पहले ब्लड आता है, फिर हार्ट आता है, फिर धमनी व सिराएं आती हैं। तो आपको ब्लड के बारे में पूरा बता दिया गया, अब आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, हृदय के बारे में, तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा हृदय के बारे में, ठीक है। थैंक यू बेटा।